बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ये तो मैं देख रही हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को देख भी रहे हैं और वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें, उन्हें लाइक करें और उन पर कॉमेंट भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड आपको मेरी जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो पसंद भी आ रही हैं, आप उन पे कमेंट भी कर रहे हैं, उनको लाइक भी कर रहे हैं, उनको शेयर भी कर रहे हैं और सबसे बढ़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। जी हाँ, जब भी स्ट्रेच मार्क्स की बात करते हैं तो हर कोई कहता है क्या टॉपिक उठा लिया। स्ट्रेच मार्क्स का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादातर स्ट्रेच मार्क्स ऐसी जगह पे होते हैं कि वो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन करके वेट लूज़ किया हो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या आपकी बहुत ड्राई स्किन हो तो स्ट्रेच मार्क्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और कभी कभी स्ट्रेच मार्क्स बाजुओं के ऊपर और ऐसी जगहों पर भी आ जाते हैं जहाँ पर वो बड़े विजिबल हो जाते हैं। प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम हिस्सा होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, और कम से कम प्रेगनेंसी के बाद जब स्ट्रेच मार्क्स हो तो इंसान ये कहता है कि मैंने बच्चा पैदा किया, तो अपने आप को हौसला दे देता है इंसान। लेकिन इवन इन प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड किया जा सकता है। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी जब स्ट्रेच मार्क्स थोड़े बहुत आ जाएँ तो उनको कम से कम 100% नहीं रिमूव किया जा सकता, बिकॉज उसके कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, लेकिन उनको लाइटन यानी कि हल्का ज़रूर किया जा सकता है। तो आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने भी प्रेगनेंसी में यूज़ की। अल्लाह का शुक्र है मैंने, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ की और जब भी मेरा वेट बढ़ता है और मैं लूज़ कर रही होती हूँ तो मैं ये रेमेडीज़ अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करती हूँ। सो थैंक गॉड स्ट्रेच मार्क्स का इशू मेरे साथ नहीं हुआ, बट वो इसलिए क्योंकि मैंने एहतियात की पहले भी एंड afterwards as well। सो अगर मैं जिम बहुत ज़्यादा जाती हूँ और एक्सरसाइज कर रही होती हूँ और मुझे पता है कि मेरी स्किन में से हाइड्रेशन निकल रही है तो मुझे पता है कि मुझे अब कुछ एक्शन लेना है। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स होते बेसिकली आप सोचें कि आपकी स्किन जो है वो खिंच रही होती है जब आप वेट गेन करते हैं, और जब आप उसको वापस लूज़ करना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन ऐसे वापस होकर लटक सी जाती है। उस लटकने के साथ साथ उसमें लाइनें या ग्रूव्स आ जाती हैं, और स्पेशली अगर स्किन खिंची हुई हो और आप उस पर ऐसे ऐसे स्क्रैच करेंगे स्पेशली नेल्स के साथ तो निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा वेट गेन के बाद जब आप वेट लूज़ करते हैं तो स्किन लटक भी जाती है और स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं। लाइक आई सेड, इसको अवॉइड या कम किया जा सकता है। एक तो वेट बहुत ज़्यादा स्पीड से लूज़ ना करें, और अगर आपको प्रेगनेंसी की सिचुएशन है तो कोशिश करें कि मेंटेन्ड अमाउंट ऑफ वेट गेन करें, कि मतलब थोड़ा खाने की मिकदार बैलेंस्ड रखें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स या प्रेगनेंसी में बहुत वेट गेन हो रहा है तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड बाय द वे, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। मेन गेट स्ट्रेच मार्क्स एज वेल जस्ट एज मच एज वुमेन डू, और अब तो इतने ज़्यादा आप मर्द हज़रात भी कॉन्शियस हो गए हैं कि दिस एंड दीज रेमेडीज़ आर फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ। तो आते हैं अपनी पहली रेमेडी की तरफ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज ओल्ड चीज़ ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है या आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। दिन में 2 दफ़ा जैतून के तेल का मसाज करें। बहुत ज़्यादा और बहुत महंगा ऑलिव ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं, अब तो मार्केट में कुकिंग ऑलिव ऑयल भी मिल जाता है। मुझे याद है कि जब मैं हमज़ा के साथ प्रेगनेंट थी तो तब फाइनेंशियल हालात इतने को खास अच्छे नहीं थे, तो मेरे घर में जो कुकिंग ऑयल था मैं उस कुकिंग ऑयल से जो है अपने पेट को, थाइस को, बैक को मसाज कर लेती थी। सो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, दिन में 2 दफ़ा करें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रहे। उसके साथ साथ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे कोशिश करें कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगाएँ, और जब लगाएँ तो 20 मिनट के लिए उसको मसाज करें। तो आपने अगर एलोवेरा जेल ली और आपके किसी एरिया पे स्ट्रेच मार्क है तो आपने ये अपनी एलोवेरा की जेल लगाई और इसको मसाज करते रहे जब तक वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता। अब देखें, अभी तो लग रहा है कि ये तो बहुत वेट है, इसको बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ी देर तक करते रहेंगे 20 मिनट्स के लिए, और जेंटल मसाज करना है, स्किन को रगड़ना नहीं है, तो ये 20 मिनट्स के अंदर आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और बिल्कुल आपकी स्किन ऐसे हो जाएगी। सो एक तो ये बात हो गई। अब आते हैं पोटैटो जूस यानी कि आलू के जूस की तरफ। आप आलू को कद्दूकश करें और उसका जो जूस, उसको फिर ऐसे हाथ से दबाएं जो उसका वो
पल्प जैसा बन जाएगा उसको दबाएं तो उसमें से जूस निकलेगा, वो जूस जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर लगा लें 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद उसे वॉश ऑफ कर लीजिएगा, इसको आपने छोड़ना नहीं है स्किन पे। सो 10 टू 15 मिनट्स के लिए लीव इट ऑन योर स्किन एंड यू आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, बट देन वॉश इट ऑफ, उसको नीम गर्म पानी से वॉश ऑफ कर लें। आते हैं लेमन जूस की तरफ। लेमन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, मैं पहले भी इस पर वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आपके साथ फीडबैक शेयर कर चुकी हूँ, लेमन हैक्स भी बताया आपको। लेमन बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन आपकी स्किन को सूट करनी चाहिए। अगर लेमन आपकी स्किन को इतना ज़्यादा सूट नहीं करता तो देन डोंट यूज़ दिस। 5 मिनट्स के लिए आपने लेमन को कट किया, लेमन जूस को 5 मिनट के लिए लगाया आपने स्ट्रेच मार्क्स पे और फिर उसको वॉश ऑफ कर दिया। ये थोड़ा सा लाइट कर देगा आपकी स्किन टोन को जहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं। अब आते हैं बादाम की तरफ। आमंड ऑयल इज़ फैबुलस, ये आपकी स्किन को आपके हेयर को बहुत खूबसूरती से नरिश करता है, बट प्योर आमंड ऑयल होना चाहिए। कोशिश करें कि आपको प्रॉपर वाला मिले, जहाँ पे मैंने कहा जैतून के तेल के बारे में इतना पर्टिकुलर उनकी ज़रूरत नहीं है, बट जब आमंड ऑयल की बात करें तो ये लें। अच्छा, बादाम के तेल के साथ आप कोशिश करें कि अबाउट 20 मिनट्स अपना मसाज करें। अगर तो जिस तरह बहुत से देसी घरों में मालिश वाली होती हैं, अगर मालिश वाली हो तो बेस्ट है, बट अगर नहीं भी है तो 20 मिनट्स के लिए बड़े जेंटल सर्कुलर मोशन से या लॉन्ग स्ट्राइड्स के साथ इस तरह से लंबा लंबा करके मसाज करें ताकि आपकी जो स्किन के अंदर है वो अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए, स्ट्रेच मार्क्स जैसे कि मैंने कहा 100% नहीं जाते, लेकिन आप उनको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं और जब आप उनको मॉइस्चराइज रखते हैं तो वो कम ऑब्वियस होते हैं। एंड देन फाइनली विटामिन ई का ऑयल ये इसमें निकाल के मैंने रखा हुआ है इस बॉटल में, और साथ में कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, बल्कि आई लैशेज की ग्रोथ के लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है। सो आपने एक हिस्सा कैस्टर ऑयल कर लिया, एक हिस्सा कैस्टर ऑयल कर लिया और 4 हिस्से आपने विटामिन ई ऑयल के लिए, यानी कि विटामिन ई अगर आपने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है तो फिर 1/4 टेबलस्पून 1/4 टेबलस्पून आप कैस्टर ऑयल को यूज़ करें, उसको मिक्स करें अच्छी तरह से और फिर उसको 20 मिनट के लिए मसाज करें। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और पोटेंट है, ये आप बेशक वंस अ वीक कर लें जो आमंड के साथ, आमंड ऑयल के साथ, या मैं तो कहती हूँ जो बेस्ट चीज़ होती है, आपने एक दिन अपना ऑलिव ऑयल के साथ मसाज किया, एक दिन आपने एलोवेरा के साथ किया और एक दिन आपने आमंड ऑयल किया, तो आप इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यही इनक्रेज करूँगी कि वो चीज़ें अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें जो नेचुरल हैं। ये सारी जो स्ट्रेच मार्क्स की कोको बटर, तो ये बटर तो वो बटर है, ये सब होममेड चीज़ें हैं। आपको पता है कि आप देसी घी के साथ भी अपना मसाज कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो थोड़ा सा देसी घी की स्मेल आएगी, बट उसमें अगर आप कुछ कतरे लेवेंडर ऑयल या किसी भी वो जो कहते हैं ना कि इसेंशियल ऑयल के डाल दें तो आपको बहुत अच्छी उसमें से स्मेल भी मिलेगी। मैं यही कहती हूँ कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, और अगर कोई वो जो कहते हैं ना बॉटल्ड या जार के अंदर से चीज़ यूज़ करें भी तो मेक श्योर कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि याद रखें स्किन आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसका ख्याल रखेंगे तो फिर ही अच्छे लगेंगे। अब मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू ट्यून आउट, बट एज आई डू आई विल रिमाइंड यू कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको यूज़फुल लगी है, अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसको स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर कोई प्रेग्नेंट है ज़रूर उनको ये भेजें। हमारे बड़े और बुज़ुर्ग जब कहते थे कि मालिश करवाओ और तेल लगाना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहते थे। एंड देन फाइनली ऑफकोर्स मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है, सो आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।